गुरुवर, कौन है ये बालक और ये आपको पिताश्री कहकर संबोधित क्यों कर रहा है? अब महाराज, हम आपको सब विस्तार से बताते हैं। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर? नहीं नहीं महाराज। दिखाया क्यों नहीं? गंगू गहन आचार्य, सुना है कि बाबा गंगू गहन के आशीर्वाद से आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। नहीं, अर्थात आचार्य, क्या उन्हीं के कहने पर आपने उस बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखा था? बाबा गंगू गहन? जी महाराज, सुना है ये बाबा विजयनगर की प्रजा को पुत्र प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं। परंतु ये कैसे संभव है मंत्रीवर? गुरुवर जी, क्या ये बालक आपको बरगद के पेड़ के नीचे पपीता रखने से हुआ है? नहीं नहीं महाराज, भला पपीते से कहां पुत्र उत्पन्न हो सकता है? हैं? गुरुवर, जैसे आप पल भर में किसी को भस्म कर सकते हैं, वैसे ही फल से पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना गुरुवर? हाँ, और हम आपके ही पुत्र छोटूचार्य है पिताश्री, और हमारा नामकरण भी तो आप ही ने किया है। हमने कब किया? वही रूप, वही श्रृंगार, इनकी तो भाव भंगिमाएं भी मिलती है महाराज। तथाचार्य, छोटाचार्य। नहीं नहीं महाराज, यह समस्या बहुत विशाल है, त्रुटि हो रही है महाराज। यदि समय पर इसका निराकरण नहीं किया गया तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। गुरुवर, कैसी समस्या हो जाएगी? महाराज, समस्त विजयनगर में ये मिथ्या समाचार फैल रहा है कि हमें राजगुरु तथाचार्य को, एक अंतर्यामी महाज्ञानी को, बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखने से पुत्र प्राप्त हुआ है। हाँ, ये सत्य है और मैं इसका प्रमाण हूँ। चुप महाराज, आप ही विचार कीजिए। जो समस्त वेदों का ज्ञाता है, जो समस्त चमत्कारी मंत्रों का ज्ञाता है, जिसका भगवान शिव से सीधा नाता है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है जो हम ना कर पाए। ये तो छोटा सा चमत्कार है महाराज। सत्य वचन, सत्य वचन। परंतु गुरुवर, कल रात्रि आप... परंतु गत रात्रि हम बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखने गए थे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप पंडित रामा कृष्ण? जी जी महाराज, हम गए थे। महाराज, हमारी पत्नी वरुण बाला गंगू गहन की भक्त, गंगू गहन ने उन्हें पपीता दिया और अपनी पत्नी का मन रखने के लिए हम वो पपीता बरगद के वृक्ष के नीचे रखने चले गए, और उस पपीते के प्रभाव से आपको इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नहीं नहीं, महाराज, बाबा गंगू गहन आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। अच्छा, बाबा स्वयं बता रहे हैं? अवश्य अवश्य, अनुमति है। डम डम डुक डुक, डम डम डुक डुक, डम डम डुक डुक, डम डम डुक डुक। उठता तीर भोला फकीर। महाराज की जय हो। प्रणाम बाबा। तो कहिए, किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ? महाराज, महाराज, जब हम ध्यान मग्न थे तो हमें ज्ञात हुआ कि आपके दरबार में कुछ ना कुछ अनुचित हो रहा है, बस उसी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा, तो क्या अनुचित हो रहा है दरबार में बाबा? महाराज, हम तो रमते जोगी हैं, कल रमते रमते हम बरगद के वृक्ष के समीप पहुंचे, वही बरगद का वृक्ष जहाँ पर हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अरे बाबा, ग्रंथ मत पढ़िए, कथा सारांश में बताइए। अवश्य अवश्य। तो महाराज, हुआ यूं कि कल रात्रि जब हमें भूख लगी, सारांश बताइए बाबा, सारांश। फल खा लिया, फल खा लिया महाराज। फल खा लिया? कैसा फल, किसका फल, क्या कह रहे हैं बाबा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ विस्तार में बताइए ना। डम डम डुक डुक, उठता तीर भोला फकीर,
विस्तार से बताएं सारांश में, दोनों के बीच का बताओ। तो महाराज हुआ ये कि कल रात्रि में जब हमें भूख लगी तो हम उस वृक्ष के पास पहुंचे और अंधकार में हम ये ज्ञात नहीं कर पाए कि वहां पर जो पपीता रखा हुआ है वो हमने स्वयं वरुण माला को दिया था और हम उसका भक्षण कर गए। ठीक है, हाँ एकदम ठीक। महाराज इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये बालक हमारे पपीते से उत्पन्न नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं, हम बरगद के वृक्ष के नीचे से ही उत्पन्न हुए हैं पिताश्री। पिताश्री की बात कहूँ, सुना नहीं तुमने, बाबा उस पपीते को खा गए तो तुम हमारे पपीते से उत्पन्न नहीं हुए। महाराज अगर हमारे दिए हुए फल को कुछ हो जाए तो उसका परिणाम नहीं मिलता। बाबा तो फिर ये चमत्कार कौन से फल का है ये बताइए आप। हम बताते हैं, हम बताते हैं। ये छोटा चमत्कार हमारे पपीते से नहीं हुआ, ये अनानास से उत्पन्न हुआ है। धन्य है, धन्य है, अब अनानास से भी बालक पैदा होने लगे। जी महाराज, और ये अनानास कोई आम अनानास नहीं, विशेष अनानास है। क्यों पंडित रामा कृष्णा? रामा कहीं ये तेरा पुत्र तो नहीं है? चुप कर। गुरुवर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, फल से भी कभी कोई पुत्र प्राप्त होता है क्या? होते हैं, होते हैं, होते हैं महाराज, ये बालक उदाहरण है ना। होते होंगे किंतु अनानास से नहीं होते, नहीं होते महाराज। पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। आप तो इस प्रकार विचलित हो रहे हैं जैसे बरगद के पेड़ के नीचे वो अनानास आपने रखा हो। पंडित रामकृष्णा कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं आप? महाराज प्रसन्नता के कारण इनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। हम आपको बताते हैं, आपने जो कहा एकदम सत्य कहा। जिस अनानास से ये बालक उत्पन्न हुआ है वो अनानास पंडित रामकृष्णा ने उस बरगद के वृक्ष के नीचे रखा था। गत रात्रि हमने स्वयं अपने नेत्रों से वो अनानास पंडित रामकृष्णा के हाथों में देखा था। पंडित रामकृष्णा। हाँ महाराज, वो अम्मा और शारदा के दबाव में आकर मैंने वो अनानास बरगद के वृक्ष के नीचे रख दिया था। महाराज इसे सिद्ध होता है कि ये छोटाचार्य नहीं है, अभी तो पंडित रामकृष्णा के अनानास से पैदा हुआ इनका पुत्र छोटू रामा है। पिताश्री। दूर 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 दूर। हमें अपना लीजिए पिताश्री। ये क्या है महाराज, ये सत्य नहीं है। क्यों? आपने बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा गंगू ग्रहण कर दिया अनानास रखा था या नहीं रखा था? रखा था, परंतु बाबा आपके दिए हुए फल से पुत्र उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं? अवश्य होते हैं, हमारे पास लंबी सूची है, आप लाभान्वित हुए माता पिताओं से संपर्क करके खुद ज्ञात कर सकते हैं। तुम्हारा इससे सिद्ध होता है कि ये बालक पंडित रामकृष्णा का पुत्र है। पंडित रामकृष्णा इसे अपना पुत्र स्वीकार करके पितृ धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और ब्रह्मांड में इससे संबंधित जितने भी धर्म हैं उनका पालन कीजिए। महाराज आप ही कुछ कहिए ना, एक फल से भला पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं पंडित रामकृष्ण, आप ही ने कुछ समय पूर्व कहा था कि ये संभव है, तो आपने बरगद के वृक्ष के नीचे वो अनानास रखा और ये बालक उत्पन्न हुआ, तो आप इसके लालन पालन का दायित्व पंडित रामकृष्णा आप ही का हो, छोटू रामा को आप स्वीकार करें, इसे एक अच्छे पिता की भांति एक उज्जवल भविष्य दें, एक अच्छा जीवन दें, ये हमारी इच्छा भी है और हमारा आदेश भी। पिताश्री हमें स्वीकार कर लीजिए पिताश्री। रामा मुझे पता है तू क्या कहने वाला है बंधु। क्या? मर गए पिताश्री।
यदि रामा ने बरगद के वृक्ष के नीचे वो फल रखा होता तो आज इस पाले में नन्हा मुन्हा हाथ पैर फेंक कर ये लो अम्मा, तुम्हारे पालने में झूला झूलने के लिए आ गया, संभालो। ये कौन है? अरे तुमने इसे नहीं पहचाना शारदा महोदया? तुम्हारे कारण ही तो ये यहाँ है। तुमने जो बरगद के वृक्ष के नीचे रखने के लिए अनानास दिया था ना, ये उसी से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र और अम्मा का पौत्र है छोटू रामा। तुम्हारे उस बाबा, अरे क्या नाम है उनका? हाँ वो दंदू दहन, चुप कर, गंगू गहन, ये उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है शारदा, तुम्हारा पुत्र छोटू रामा। परंतु ये छोटा का है, ये तो भला है और ये तो आयु में मुझसे भी ज्यादा भला लगता है, है ना? पर अब क्या कर सकते गुंडप्पे, जो है सो यही है, संभाल। बालक तो नन्हा मुन्हा इतना सा होना चाहिए, ये तो इतना बड़ा है। हाँ, मुझे भी यही प्रतीत होता है। मैं एक कार्य करता हूँ, इसे वापस छोड़ कर आता हूँ। हाँ, चल। अरे छोटू तू बड़ा ही सही, परंतु तू बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, तू निसंदेह मेरा ही पौत्र है और शारदा का पुत्र। आप सत्य कह रही हैं दादी? अम्मा, अम्मा हे ईश्वर, हम आपके आभारी हैं, आपके कारण हमें अपना परिवार मिल गया। उठा लो, तुम ही उठाओ, तुम्हारा बालक है। अरे आप भी उठा लो, आपका भी तो पुत्र है। क्यों, अभी तो घर से बाहर निकाल रही थी। परंतु अब तो नहीं निकाल रही ना। ये कौन है? मैं तेला काका हूँ, लामा का मित्र गुंडप्पा। ते तुम्हारे हाथ में क्या है? ये दंती है, दो मैं तुझे नहीं दूंगी। अब काका तो बोल दिया, देना ही पड़ेगा। ये ले पुत्र। पुत्र? हाँ पुलुत ना। ये किसके लिए है? हाँ ये तुम्हारे लिए है। परंतु हम तो इसमें जा ही नहीं पा रहे। चल निकल, निकल वहाँ से, तू प्रयास ही क्यों कर रहा है, पाला टूट जाएगा, हट। दादी अम्मा, पिताजी को रोके ना, हर प्रसंग पर टोका टाकी करते हैं। ये लीजिए महाराज। ये क्या है? ये तो अनार की भांति प्रतीत हो रहा है। महाराज ये अनार ही है। अनार? आज आप हल्ला ही है, कोई विशेष व्यंजन नहीं बनाया आपने हमारे लिए। महाराज ये खाने के लिए नहीं है, ये तो बरगद के वृक्ष के नीचे रखने के लिए है। उस वृक्ष के नीचे जिसके नीचे फल रखने से पुत्र उत्पन्न होते हैं? हाँ महाराज। परंतु महारानी तिरुमलम्बा, आप अनार ही क्यों लाई है? क्योंकि हमें बहुत सारे पुत्र चाहिए। परंतु महारानी तिरुमलम्बा, अनार से संतानों का क्या संबंध है? है, बहुत गहरा संबंध है। जैसे पंडित रामकृष्णा ने बरगद के नीचे अनानास रखा था तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अनार में तो कितने सारे दाने होते हैं, सोचिए हमें कितने सारे पुत्रों की प्राप्ति होगी, है ना महाराज? परंतु महारानी तिरुमलम्बा, आपको इतने सारे संतानों की क्या आवश्यकता है? इसके दो लाभ हैं।
एक तो हमारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा और दूसरा लाभ ये कि हम इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, उसे चखने के लिए भी तो हमें बहुत सारे पुत्रों की आवश्यकता होगी। होगी, अवश्य होगी। महारानी जीना देवी, आप चिंतित बिल्कुल ना हो, हमने आपके लिए भी सीता फल मंगवाया है। आप उसे महाराज से कहकर ना बरगद के वृक्ष के नीचे रखवा दीजिएगा, आपको भी बहुत सारे पुत्रों की प्राप्ति होगी। सीता फल क्यों, हम भी अनार ही रखवा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर तो गहन समस्या हो जाएगी ना। कैसी समस्या? आपके और हमारे पुत्र अलग अलग दिखने चाहिए, फिर पता कैसे चलेगा आपका पुत्र कौन सा है और हमारा पुत्र कौन सा है। धन्यवाद महारानी तिरुमलम्बा, आपको हमारी कितनी चिंता रहती है। सचमुच आप बहुत बुद्धिमती हैं। हमारी माँ भी यही कहती है कि हमारा हृदय बहुत विशाल है, हम सबके विषय में सोचते हैं। अद्भुत, सत्य कहती है आपकी माँ। महाराज, माता से याद आया, आपको तो अनार बरगद के वृक्ष के नीचे रखना है ना। माता से अनार कैसे स्मरण हुआ? महाराज, जब आप अनार को बरगद के वृक्ष के नीचे रखेंगे तभी तो माता बनेंगे ना। महाराज, क्या आपको भी ऐसे ही प्रतीत होता है कि अनानास बरगद के वृक्ष के नीचे रखने से पंडित रामाकृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई है? महारानी चिन्ना देवी, ऐसा भी कभी होता है? असंभव है। तो फिर आपने उस बालक के लालन पालन का दायित्व पंडित रामाकृष्ण को क्यों सौंप दिया? आनंद प्राप्ति के लिए। जब भी पंडित रामकृष्ण किसी विचित्र समस्या में फंसते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, और उस समस्या का निराकरण जिस प्रकार वो करते हैं वो अत्यधिक मनोरंजक होता है। कहाँ है हमारा पुत्र? पुत्र? आप यहाँ किस प्रयोजन से हैं? अम्मा क्षमा कीजिएगा, प्रतीत होता है कि हमारा पुत्र खेलते खेलते आपकी आवाज पर आ गया। नहीं नहीं, ये आपका पुत्र नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं शारदा? आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, ये तो बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुए हमारे पुत्र छोटू जा रहे। नहीं नहीं गुरु माता, ये बाबा गंगू गहन के आशीर्वाद से बरगद के पेड़ के नीचे से अनानास से उत्पन्न हुए छोटू रामा है। नहीं नहीं, पपीता। अनानास, देखिए ना, ये पपीते की तरह गोल है। नहीं, अनानास की तरह लंबा है। परंतु ये कैसे संभव है? हमने स्वयं अपने स्वामी को उस बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखने के लिए भेजा था। परंतु गुरु माता, गुरुवर ने आज तक कोई भी कार्य ठीक से किया है। आप हमारे स्वामी के लिए कुछ भी ना कहें, और वैसे भी आपके रामा ने आज तक कोई भी कार्य सीधे तरीके से किया है क्या? हमेशा वो जलेबी की तरह गोल 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 गोल। परंतु जलेबी खाने में कितनी मीठी होती है। हमें जलेबी खानी है। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, चलिए अभी चलिए आवाज पर, हम वहाँ पर आपको जलेबी उपलब्ध कराएंगे। चलिए। क्षमा कीजिए गुरु माता, परंतु इसने हमें माँ कहा है। नहीं नहीं शारदा, इसने हमको माँ कहा है। चलिए आवाज पर चलते हैं। छोटू रामा यही रहेंगे। छोटाचार्य, छोटाचार्य, छोटू रामा, छोटाचार्य, छोटू रामा, छोटाचार्य, छोटू रामा, छोटाचार्य, छोटू रामा, छोटाचार्य, छोटू रामा। बोले तोल देते होते, उनके हाथ में कष्ट तोल है। ये कष्ट के नहीं, ये तो प्रसन्नता के आंसू है। आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं तो अनानास से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मेरी वास्तविक माँ शारदा देवी है। आपका पपीता तो बाबा गंगू गहन खा गए। अगर आपका पुत्र होगा भी तो उनके उदर में होगा। परंतु आप तनिक भी चिंतित ना हो माते, मैं आपसे पुत्र की तरह ही प्यार करूंगा। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ। परंतु हमारी जलेबी। आप तनिक भी चिंतित ना हो पुत्र, हम अभी आपके लिए जलेबी बनवाकर भिजवाते हैं। हाँ? चिंता मत करो पुत्र, जो हमारा और केवल हमारा ही है, मैं अभी तेरे लिए जलेबी बना के लाती हूँ। हाँ? अम्मा अभी लाते हैं। पिताश्री, भवन तो आपने अत्यंत भव्य निर्माण किया है, कुछ धन आपने संग्रहित भी किया है या समस्त भवन निर्माण में समाप्त कर दिया? अम्मा एक क्षण, देख छोटे,
पहली बात तो ये कि मैं तेरा पिताश्री नहीं हूँ, और दूसरी बात तुझे इन सब से क्या लेना देना है हुँ? आपका उत्तराधिकारी होने के कारण आपके पश्चात सब कुछ हमें ही तो संभालना है, अतः हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। देखो तो अम्मा, अभी मेरे घर में घुसा भी नहीं और मेरे ऊपर जाने की बात कर रहा है। पिताजी, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। ईश्वर की कितनी कृपा है ना हम पर कि हमको इतनी प्याली प्याली दादी अम्मा दी है, इतने प्याले प्याले काका दी है, और दो दो माता है जी, और सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिताश्री भी दिए है। अच्छा हुआ रामा, मैं तेरे सर पर हूँ, अन्यथा ये तो मुझ पर भी अपना अधिकार जमा लेता। मुझे इसके लक्षण ठीक प्रतीत नहीं हो रहे। तू ठीक कह रहा है बंधु, शीघ्र ही उस बाबा गंगू गहन को ढूंढना होगा, अब वो ही मुझे इस भवन से निकाल सकते हैं।